बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कृति सैनन लीड रोल में हैं। मूवी को दर्शकों से काफ़ी प्रशंसा मिली, जिसके चलते फिल्म ने पहले हफ्ते में 37.25 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म में अरशद वारसी और जैकलिन फर्नांडिस जैसे एक्टर भी मौजूद रहे। इंडियन फिल्म क्रिटिक एंड ट्रेड एनालिटिकल तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को शेयर किया। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स से कड़ी टक्कर करते हुए फिल्म ने पहले दिन ही 13.25 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म देखने वालों की संख्या काफ़ी अधिक थी। बच्चन पांडे मूवी होली के दिन रिलीज हुई थी। यह रविवार को सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी बनी, जिसने 12 करोड़ रुपए की कमाई की। बच्चन पांडे 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म जिगरथंडा की रीमेक है, जिसका निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है। बच्चन पांडे फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं। इस फिल्म को निश्चय कुंटांडा और सामजी ने लिखा है। बच्चन पांडे में पंकज त्रिपाठी, प्रतीक बब्बर, अभिमन्यु सिंह, स्नेहल जाबी और सहर्ष कुमार शुक्ला भी हैं। इस फिल्म की कहानी एक महत्वाकांक्षी डायरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर का रोल कृति सैनन निभा रही हैं, जो एक खतरनाक गैंगस्टर पर फिल्म बनाना चाहती हैं। फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका में अक्षय कुमार हैं। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।